दिमाग अगर चलाऊँगा एज एन आर्टिस्ट तो इतना ख़ास मेरे पास दिमाग है नहीं चलाने को तो मैं दिल से ही सारे काम करता हूँ ट्रस्ट मी इज थर्ड वर्जन और जब भी आप कोई वर्जन अपने लैपटॉप में फ़ोन में डाउनलोड करते हैं तो वो पुराने वर्जन को अपने हाँ आप डिलीट कर देता है इट्स माई प्रॉमिस पुरानी एल्बम आप जाओ सब सही है नहीं नहीं वो गलत है सर वो गलत है हेलो नमस्ते आप देख रहे हो ललन टॉप और मेरे साथ है हमारे इंटरनेशनल विलेजर देसी कलाकार uh, मैं आशी पहले इनसे पूछना चाहती हूँ रिदेश सिंह से योयो यो हनी सिंह क्यों योयो यो हनी सिंह कैसे चूज किया रिदेश सिंह मेरा नाम है रिदेश नहीं है इंटरनेट पे बहुत हिर्देश. कुछ गलत है मेरे को लेके विकीपीडिया पे स्पेशली बट हृदय सिंह से लेके योयो हनी सिंह तकरीबन बारह साल की जर्नी है तो इतने छोटे टाइम में मैं बता नहीं पाऊँगा लेकिन मैंने पंजाब में एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर काम शुरू किया था पहले मेरा फर्स्ट गाना 2005 में आया था खड़के क्लासी अशोक मस्ती जी के साथ विच वॉज अ बिग हिट एट दैट टाइम देन आई शिफ्ट टू पंजाब फ्रॉम दिल्ली देन आई स्टार्ट वर्किंग एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर देन आई स्टार्ट राइटिंग सॉन्ग्स देन आई डूइंग आईडर बिट ऑफ रैप फॉर द पीपल बट इन 2012 थाउजेंड ट्वेल्व आई डिसाइडेड कि मुझे खुद गाना चाहिए तो तब एक नाम चाहिए था तो फिर यो यो हनी सिंह कर दिया हनी मेरा निकने में सिंह मेरा लास्ट नेम है और योयो यो का मतलब आपका अपना तो शॉर्ट में बताया आपको ओके वेरी नाइस मैं आपके एक ऐसे गाने के बारे में जानना चाहती हूँ जिसमें लड़की दारू गाड़ी का कोई मंच नहीं क्योंकि आपके ऐसे बहुत गाने हैं बट लोग जानते नहीं बताइए हमें आ, एक गाना मैंने धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना जो ऋतिक रोशन और सोनम कपूर पे शूट हुआ और देसी कलाकार में कहीं दारू लड़की की कोई बात नहीं है ऐसे इश्क के ऊपर बात है और और बहुत सारे गाने ब्राउन रंग मैंने हिंदुस्तानी लड़कियाँ हम हिंदुस्तानी हैं और हमने कई सालों से देखा है कि गोरी लड़कियों को ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी हमारी सोसाइटी में और जो सामने लड़कियां होती थी उनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिलती थी वो बेचारी फेस क्रीम्स लगाती थी गोरे होने के लिए तो मुझे लगता था जो हिंदुस्तान की नेचुरल ब्यूटी है लिटिल डार्क कलर वो सबसे बेस्ट है तो मैंने गाना बनाया था ब्राउन रंग जिसमें एक लड़की की तारीफ करी थी और अभी मेरा जो लेटेस्ट गाना है टुगेदर फॉर वो अगेन एक लव सॉन्ग है एंड इट्स इट्स ऑल अबाउट loving somebody and to stay with her together and forever। हम सबको ब्रांड रंग बहुत ज़्यादा पसंद आया था दुनिया भर में गबरू सबको बहुत पसंद आया था बीबीसी एशिया की चार्ट टॉप हो गई थी तब आपको कैसे लगा था मेरा पहला गाना ही खड़के ग्लासी 2005 में बी एशिया वर्ल्ड चार्ट्स पे नंबर वन था और उस टाइम पे यूट्यूब वगैरह कुछ भी नहीं होता था सीडीज़ बिकती थी तो तब मेरे को बहुत अच्छा ब्रेक मिला था उस गाने से लेकिन मेरे पास फाइनली कुछ काम नहीं था करने को एज अ म्यूजिक डायरेक्टर दैट्स वाई आई गॉट शिफ्ट टू पंजाब फॉर द रीजनल इंडस्ट्री ओवर ऑफेर एंड गभरू भी सारी जगह बहुत अच्छा हिट uh, हुआ और उस मेरी एल्बम इंटरनेशनल विलेजर के सारे गाने तकरीबन बिग चार्ट्स थे जिसमें ब्राउन रंग अंग्रेजी भी डोप शोप गबरू इन ऑल दी सॉन्ग्स दिटी वेल और आपने जैसे कहा विकीपीडिया पे ऐसे बहुत है अंग्रेजी बीट वाज़ द हाईएस्ट पेड ऐसे सॉन्ग फॉर अ हिंदी फिल्म सब सही है नहीं नहीं वो गलत है सब वो गलत है अच्छा मैं ये भी जानना चाहती हूँ जैसे हम सब आपके गाने सुनते हैं जब हम लो फील करते हैं फ्रेश होने के लिए तो आप किस को सुनते हैं मैं रफ़ी किशोर सुनता हूँ और, और बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं गुलाम अली सुनता हूँ और बेगम अख्तर सुनता हूँ और ठुमरी सुनता हूँ उनकी कभी कभी तो अगर मैं अभी कहती हूँ अपना फ़ोन निकाल के बताइए स्पॉटिफाई या एप्पल म्यूजिक कहीं पे आप कौन सा गाना सुन रहे हो फ़िलहाल फ़िलहाल मैं कुछ इंटरव्यूज़ देख रहा हूँ यूट्यूब पे। गाना तो मैं जनरली जो मैं ज़्यादा सुन रहा हूँ गाना आजकल वो सजाद अली का गाना है एक और अली सीठी के गाने भी मुझे काफ़ी पसंद है इसमें अभी सारे इंटरव्यूज़ आ रहे हैं पुराने और आप अपने इंटरव्यूज़ देखते हो अपने इंटरव्यूज़ नहीं मैं जनरल इंटरव्यूज कुछ ऐसे इन्फ्लुशियल लोग हैं पॉलिटिकली और सोशली उनके इंटरव्यूज देखना पसंद करता हूँ तो जनरली वो बहुत देखता हूँ मैं आजकल वही देख रहा हूँ okay. आपकी लाइफ वैसे काफ़ी हार्ड रही है बहुत सारी चीज़ें रही तो मैं जानना चाहती हूँ कोई मंत्रा है आपका कैसे आप, आप स्ट्रेंथ या पावर कहाँ से लाते हो स्ट्रेंथ पावर मेरी माँ से मुझे मिलती है और माँ बाप से ऊपर जिंदगी में कुछ भी नहीं है भगवान जैसी कोई चीज़ बनी नहीं क्योंकि हमने कभी देखी नहीं मैं उसमें इतना ख़ास बिलीव नहीं करता हूँ लेकिन मैं देवी देवताओं में बिलीव करता हूँ जो इस दुनिया में आए और उन्होंने रास्ता दिखाया आई एम अ बिग फॉलोवर ऑफ़ लॉर्ड शिवा और महा देवों के देव हैं वो महादेव हैं उनमें बहुत बिलीव करता हूँ और ए, अपने माँ बाप से मुझे पावर मिलती है और मंत्रा मेरा सिर्फ ये है कि मैं दिमाग से ज़्यादा काम नहीं करता हूँ दिल से काम करता हूँ सपने बहुत बड़े देखता हूँ और उसको हासिल करने की पूरी कोशिश करता हूँ दिल से क्योंकि दिमाग अगर चलाऊँगा एज एन आर्टिस्ट तो इतना ख़ास मेरे पास दिमाग है नहीं चलाने को तो मैं दिल से ही सारे काम करता हूँ अच्छा और बैंक में हमेशा म्यूजिशियंस के पास गाने होते हैं ना जो अनपब्लिश होते हैं आपके बैंक में क्या अकाउंट में कितने अभी 78 सेवेंटी एट सॉन्ग्स और मैंने अपनी एल्बम इसी महीने सितंबर में बनाई है जिसमें दस गाने हैं टोटल मैंने अट्ठतीस गाने एक महीने में लिखे हैं जिसमें से मैंने दस गाने शॉर्टलिस्ट किए हैं मेरी थर्ड एल्बम है ये नौ साल बाद एल्बम आ रही है देसी कलाकार के बाद सोलो एल्बम है पूरे गाने मैंने लिखे मैंने कंपोज़ किए हैं और खुद ही गाए हैं और जिसमें म्यूज़िक बीट्स हैं बेस योगी होमी दिल्ली वाला की और दोनों नए लड़के हैं मेरी टीम में और अच्छा म्यूज़िक कर रहे हैं और ये एल्बम जनवरी या फरवरी फर्स्ट वीक में आ जाएगी और मेरी ये कोशिश है ये एल्बम का नाम रखा है मैंने हनी थ्री पॉइंट हो मुझे किसी स्पेशल इंसान ने सजेस्ट किया है और ये एक थर्ड वर्जन है मेरा क्योंकि खड़के ग्लासी मेरे गाने से 2005 से लेके देसी कलाकार तक मेरा एक एक वर्जन था पहला वर्जन उसके बाद मैं बीमार हुआ पाँच साल मैंने काम नहीं किया उसके बाद मैं वापस आ रहा था बहुत मोटा था मखणा सैयाँ जी मैंने गाने किए लेकिन मेरे फैंस को वो पसंद नहीं आ रहा था तो नाउ आई एम गेटिंग फिट आई एम ट्राइंग टू गिव समथिंग न्यू और हनी थ्री में एक भी गाना नशे के ऊपर नहीं है एक भी लाइन नशे के ऊपर नहीं है एक भी लाइन डबल मीनिंग नहीं है कुछ नया है लव डांस एंड रोमांस है फुल ऑफ लव डांस एंड रोमांस आई होप यू कैट लव इट ट्रस्ट मी इज़ द थर्ड वर्जन और जब भी आप कोई वर्जन अपने लैपटॉप में फ़ोन में डाउनलोड करते हैं तो वो पुराने वर्जन को अपने आप डिलीट कर देता है इट्स माई प्रॉमिस पुरानी एल्बम आप भूल जाओगे आपसे सच में कुछ कहूँ जो आपका फर्स्ट वर्जन था हम सबको बहुत पसंद है हमें वो यू हनी सिंह वापस चाहिए उससे बेहतर वर्जन आएगा उससे बेहतर वर्जन आएगा ओके okay, दो आखिरी चीज़ें एक तो हम कल गिप्पी जी से मिल रहे तो उनके लिए आपको कोई मैसेज हम उनको दिखाएंगे कल हाँ गिप्पी भाई के लिए बहुत बहुत मुबारकें हो क्योंकि एज एन सिंगर एज़ अ परफॉर्मर तो कमाल है हैं मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं उन्होंने मुझे ब्रेक दिया था फ़िल्म में मिर्ज़ा पिक्चर के अंदर मैंने एक्टिंग करी थी और uh, गिपी भाई को बहुत बहुत मुबारक हो एज़ अ प्रोड्यूसर बहुत कामयाब हुए और एज अ डायरेक्टर भी उन्होंने बहुत कमाल काम किया अभी और विजनरी आदमी है और दोस्तों को साथ लेके चलने वाला इंसान है और उनके आप पूरी फिल्म्स देखिए उनका एक पूरा क्लैन है एंड ही जस्ट लव हिज क्लैन एंड ही वांटेड टू डू एवरीथिंग विद हिज क्लैन एंड इज रियली बिलीव इन दैट एंड दैट्स व्हाई आई रिस्पेक्ट हिम अ इज लाइक डियर फ्रेंड टू मी एज वेल मुलाकात नहीं हो पा रही हमारी कई सालों से लेकिन बात हमारी होती रहती है हम करवा देंगे हमारे थ्रू <laughs> आखिरी चीज़ आप हमारे न्यूज़ रूम में आए और आपने गाया नहीं ऐसे हो नहीं सकता तो कुड़ी तेरे ब्राउन रंग ने मुंडे पट्टे ते नी सारे मेरे टाउन दे कोई कम उत्ते जावे ना रोटी पानी खावे ना गोरी गोरी कुड़ी अनु कोई मुंह लावे ना थैंक यू बेस्ट एक क्राउड क्वेश्चन है कि डीएसपी के साथ किसी का भाई किसी की जान सलमान की फिल्म के लिए आप गाना कर रहे हो हाँ बिल्कुल सलमान भाई मुझे आइफा में मिले कई सालों बाद और बहुत प्यार दिया उन्होंने और बहुत कंसर्न थे कि जो मैंने काफ़ी साल बीमारी में निकाले तो फिर पूछ रहे थे कि साथ में कुछ करते हैं मैं क्या भाई जैसे आप हुक्म लगाओ क्योंकि सलमान भाई को मैंने गाना दिया था किक मूवी में यार ना मिले लेकिन मैं उस टाइम लंदन में था तो मैं शूट नहीं कर पाया तो सलमान भाई कहते हैं हमारा गाना रह गया तूने सबके साथ कर लिया अमिताभ बच्चन शाहरुख खान अक्षय कुमार अजय देवगन एवरीबडी विद ऑल द लेजेंड्री आर्टिस्ट तो कहते हैं हमारा गाना रह गया हमने इकट्ठे करना है तो डी ने बहुत अच्छा गाना बनाया एंड इन्होंने मुझे भेजा और हमने शूट कर लिया हैदराबाद में गाने का नाम सरप्राइज है अभी नहीं बता सकते बट इट्स इट्स अ गुड सॉन्ग इट्स अ वेरी क्यूट सॉन्ग एंड आई जस्ट in it और सलमान भाई ने बहुत प्यार बहुत इज्जत दी है शूट बहुत अच्छा करवाया बहुत अच्छी फीचरिंग दी है और आई होप आप सबको पसंद आएगा